हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। अभी हम जेबी सेबी के और क्वेश्चंस डिटेल में पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन कहता है कि सरफासी फॉर 1 लाख एंड अबव 20% आउटस्टैंडिंग। इसका मतलब ये है कि सरफासी एक तो आपका उन लोन्स के ऊपर लगेगा जिसमें कि आउटस्टैंडिंग 1 लाख या उससे ज़्यादा है, कम से कम 20% आउटस्टैंडिंग होगी तभी सरफासी एक्ट काम करेगा। और ये चीज़ ध्यान रखें कि एग्रीकल्चर लैंड पे सरफासी नहीं लगता, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, CMP की फुल फॉर्म पूछी गई है, तो ये है कैश मैनेजमेंट प्रोडक्ट। ये अगला क्वेश्चन आपके मतलब का नहीं है। आगे देखिए, ट्रस्ट अकाउंट क्या होते हैं, हाई रिस्क अकाउंट्स होते हैं। मौरी कल्चर पूछा हुआ है। देखो, कल्चर वाली एक मैंने वीडियो पहले ही बना दी है, तो वहाँ आप पहले ही देख सकते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ कल्चर होते हैं। तो मौरी कल्चर किससे रिलेटेड है, ये मलबरी से रिलेटेड है, ठीक है। मार्जिन फॉर प्रोड्यूस मार्केटिंग लोन, तो ये ध्यान रखिए प्रोड्यूस मार्केटिंग लोन कितने टाइम के लिए होता है, 12 महीने के लिए, और 40% में मार्जिन रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मिनिमम लिमिट सेंक्शन अंडर सेल्फ हेल्प ग्रुप क्रेडिट कार्ड कितना है। कोई मिनिमम लिमिट नहीं होती इसमें, कितना भी दे सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द नीड ऑफ द कस्टमर और कस्टमर का बेस कैसा है। ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा लेंडिंग कर दे और फिर बाद में वो चुका ना पाए। अंडर SSTL द मैक्सिमम रिपेमेंट फॉर लोन्स विदाउट कोलैटरल सिक्योरिटी कितने महीने के लिए है, 36 मंथ्स के लिए है। और इसका जो है मोरेटोरियम कितने मंथ्स का होता है, होता है 1 महीने का मोरेटोरियम, ठीक है। कैश मैनेजमेंट इन ATM में डिप्लॉयड NCR, ये जो ATM में कैश वगैरह मेंटेन करते हैं उसको क्या बोलते हैं, ऑप्टी कैश बोलते हैं। ऐसा होता है कि इसमें कैश जब कम रह जाता है तो अपने आप ही ऑटोमेटिकली ब्रांचेस को या जो इसमें कैश डालते हैं ना उनको फ़ोन या SMS आ जाते हैं कि इसमें क्या कैश कम रह गया है, ठीक है। तो वो कैश मैनेजमेंट ये कंपनीज करती हैं। सेफ कस्टडी स्क्रिप्ट डिलीवर्ड एंड एक्नॉलेजमेंट टेकन ऑन कॉस्ट 49, ठीक है। कमीशन ऑन गवर्नमेंट रिसिप्ट, गवर्नमेंट रिसिप्ट पे जो है 12 रुपीज़ है ई रिसिप्ट पे, ठीक है। ऐसा होता है ना कि पेंशन वगैरह बांटते हैं बैंक्स वगैरह, तो उनको कुछ कमीशन देती है RBI, तो इस ई रिसिप्ट के केस में गवर्नमेंट रिसिप्ट हो रहा है तो 12 रुपीज़ होते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, इन डिजीज केस सेटलमेंट इज रेस्ट्रिक्टेड अप टू 5 लाख, 5 लाख रुपये तक का अगर डिजीज सेटलमेंट है तो वो ब्रांचेस कर सकती हैं, उससे ऊपर उनको परमिशन लेनी होगी हायर अथॉरिटी की। नेक्स्ट देखिए, सक्सेशन सर्टिफिकेट इज एप्लीकेबल टू डेब्ट एंड सिक्योरिटीज। KYC पॉलिसी इज रिव्यूड बाय RBI एवरी ईयर ऑन 1 जुलाई, 1 जुलाई को जो है KYC पॉलिसी रिव्यू करती है। रिव्यू और रिन्यूअल में तो आपको पता होगा अंतर। रिव्यू मतलब उसको चेक करना कि प्रॉपर है या नहीं है, उसमें कुछ अगर अमेंडमेंट करनी है वो सब चीज़ रिव्यू कहलाती है, ठीक है। मिनिमम बैलेंस रिक्वायर्ड इन SBI युवा सेविंग अकाउंट, तो यह है 5,000 रुपये। OD फॉर सैलरी पैकेज अकाउंट होल्डर इज इक्वल टू, 2 महीने की सैलरी जो है वो सैलरी पैकेज अकाउंट में OD की तरह से मिलती है, ठीक है। OD मतलब ओवरड्राफ्ट मिल जाती है, जितनी आपकी सैलरी आ रही होगी तो 2 महीने की एक्स्ट्रा आपको मिल सकती है। नेक्स्ट देखिए, मिनिमम टेन्योर इन एन्यूटी डिपॉजिट इज 36 मंथ। एन्यूटी डिपॉजिट कितने महीने तक का होता है, 36 महीने का होता है मिनिमम टेन्योर। पहला कदम अकाउंट ये कैसा है, लो रिस्क अकाउंट है, छोटे बच्चे का अकाउंट होता है, इसमें ज़्यादा डिपॉजिट होता भी नहीं है। STU स्ट्रेटजिक ट्रेनिंग यूनिट, कई बार इसकी फुल फॉर्म भी याद रखी है, तो वो कौन हेड करते हैं, CGM सर। बिल ऑफ एक्सचेंज हैज 3 पार्टीज, अभी हमने पीछे एक वीडियो में पढ़ा था बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसिंग नोट के बीच में डिफरेंस, तो ये पार्टीज वाला क्वेश्चन कई बार आया था। तो बिल ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्टी होती हैं और प्रॉमिसिंग नोट में कितनी होती हैं, 2। ZIO जोनल इंस्पेक्शन ऑफिस इज नाउ, तो उसका नाम चेंज कर दिया गया, अभी बोलते हैं उसको सर्कल ऑडिट ऑफिस। नेक्स्ट पेज पे आइए, NI एक्ट सेक्शन 143A इंसर्टेड विच सीम्स 20% ऑफ कंपेंसेशन ऑफ द चेक अमाउंट, ये इस एक्ट के अंदर है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, OTMS उसकी फुल फॉर्म है ऑफसाइट ट्रांजेक्शन मॉनिटरिंग सिस्टम, ठीक है। ओझा कमेटी किससे रिलेटेड है, ये आपका सर्विस एरिया अप्रोच से रिलेटेड है। मैक्सिमम पीरियड ऑफ प्रोड्यूस मार्केटिंग लोन इज, देखो मिनिमम प्रोड्यूस मार्केटिंग लोन होता है 12 मंथ्स का और मैक्सिमम आप दे सकते हैं 6 ईयर्स तक, 72 मंथ्स तक, ठीक है। नेक्स्ट आइए, आप ये यहाँ पे शिशु किशोर और तरुण लिखा हुआ है, किससे रिलेटेड है, ये आपका मुद्रा लोन से रिलेटेड है। मुद्रा लोन में 3 तरह के लोन होते हैं, शिशु होता है 50,000 रुपये तक का, किशोर पे आएंगे तो 50,000 से 5 लाख रुपये तक का, तरुण होता है 5 लाख से 10 लाख रुपये तक का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, SBI टैक्स सेविंग स्कीम ये कितने रुपये तक हो सकती है, मिनिमम 1,000 और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपये तक। ये क्या होती है, एक FDR बना के रख देते हैं, आदि ये जो है 5 साल तक इसको तोड़ नहीं सकते, ठीक है। इस पे जो भी आपको इंटरेस्ट इनकम मिलेगी वो टैक्स फ्री होगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मैक्सिमम ट्रांसफ़र अंडर SBI भीम पे कितना ट्रांसफ़र कर सकते हैं, 1 लाख रुपए तक। IT एंड सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर योनो
योनो जो SBI का ऐप है वो किस कंपनी ने डेवलप करा है, तो वो एसेंचियोर ने किया है। एक अगस्त एस KYC कंप्लायंस एंड फ्रॉड प्रिवेंशन डे, 1 अगस्त को हम क्या मनाते हैं, KYC कंप्लायंस और फ्रॉड प्रिवेंशन डे के रूप में मनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखें, क्रॉस सेलिंग इज कस्टमर वैल्यू एनहांसमेंट बिजनेस यूनिट CVEBU। कई बार इनकी फुल फॉर्म्स भी आ जाती हैं, CVEBU की फुल फॉर्म नोट कर लेंगे आप, कस्टमर वैल्यू एनहांसमेंट बिजनेस यूनिट। ठीक है, BCSBI क्या कौन सी कमेटी के थ्रू आया था, तारापुर कमेटी। फ्रेंड्स ये जो नोट्स हैं ये आपको JIBCIB एग्जाम में तो हेल्प करेंगे, प्रमोशन का एग्जाम अगर कोई PNB या SBI कैनरा बैंक वगैरह के दे रहा है तो उसमें भी हेल्प करेंगे। सारे क्या मिक्स क्वेश्चंस हैं, तो इन सारे क्वेश्चंस को अगर आपको एक बार पढ़ लेंगे तो आपको क्या होगा कि एक बार रिवाइज हो जाएगा सारा कुछ। और जिनको ये क्वेश्चंस आते हैं अच्छी बात है, नहीं आते हैं तो एक बार आप नोट डाउन कर लो जिन जिन से आपको नहीं आता है। तो BCSBI जो आया था वो तारापुर कमेटी से रिलेटेड आया था। ठीक है, मिनिमम ग्रॉस मंथली सैलरी फॉर एक्सप्रेस क्रेडिट लाइट पर्सनल लोन इज कितना है, 1 लाख रुपये। ये जो एक प्रोडक्ट है एक्सप्रेस लाइट इलाइट करके पर्सनल लोन, इसमें पर्सनल लोन दिया जाता है, तो इसके लिए मिनिमम सैलरी जो है 1 लाख रुपये महीना होनी जरूरी है इंसान की। मिनिमम एंड मैक्सिमम लोन अंडर एक्सप्रेस बंधन, ये एक प्रोडक्ट है, इसमें 25,000 रुपये और मैक्सिमम मिलता है 15 लाख रुपये तक का लोन। ठीक है, IFEMS, IFEMS की फुल फॉर्म कई बार पूछ लेते हैं, तो ये है इंटीग्रेटेड फिक्स एसेट मैनेजमेंट सिस्टम। माइक्रो एंटरप्राइजेस एनुअल टर्नओवर कितना होना चाहिए माइक्रो एंटरप्राइजेस का, दैट इज 5 करोड़ रुपये मिनिमम और मैक्सिमम। PAPL मिनिमम दे सकते हैं 25,000 और मैक्सिमम कितना है 2 लाख रुपये तक। ठीक है, GST कब से लागू हुआ था, विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2017। नॉन फेस टू फेस जो कस्टमर होते हैं जैसे कि NRIs वगैरह होते हैं, वो सब क्या है, हाई रिस्क होते हैं। ठीक है, और अटल पेंशन योजना APY का फुल फॉर्म है, तो ये मिनिमम कितने साल से कितने साल वालों के लिए हो सकती है, तो 18 से 40 वाले इसमें एनरोल कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी स्कीम है गवर्नमेंट की, इसमें जो है आपको जैसे ही आप 60 साल से ऊपर होंगे तो आपको मंथली पेंशन मिलेगी, मैक्सिमम पेंशन 5,000 रुपये, मिनिमम है 1,000 रुपये। ठीक है, उसी हिसाब से आपके एज के हिसाब से जो है आपसे प्रीमियम लिया जाएगा। मिनिमम मैक्सिमम SBI स्किल लोन कितना है, मिनिमम 5,000 और मैक्सिमम कितना है, दैट इज आपका मिनिमम तो है आपका 5,000 रुपये स्किल लोन और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपये। ठीक है, ठीक है, कई जो स्कीम्स हैं उनमें इस तरह ही मिनिमम मैक्सिमम का फंडा है, बट हर एक स्कीम का आपको पता होना चाहिए। जैसे सुकन्या समृद्धि अकाउंट है तो उसमें 250 रुपये मिनिमम और मैक्सिमम कितना है, 1.5 लाख रुपये तक 1 साल में कर सकते हैं जमा। क्रेडिट ऑडिट इज एप्लीकेबल टू ब्रांचेस वेयर एक्सपोजर इज मोर देन 10 करोड़ अबव। नेक्स्ट देखिए, नेशनल बैंकिंग ग्रुप जो है रिटेल और डिजिटल बैंकिंग से रिलेटेड है। मैक्सिमम लोन अंडर SME स्मार्ट स्कोर मैक्स मैनुफैक्चरिंग यूनिट कितना है, 5 लाख से 50 लाख रुपये तक। ठीक है, ट्रेड और सर्विसेज के लिए 5 से 25 लाख रुपये, क्रेडिट कार्ड के लिए मैक्सिमम 10 लाख रुपये। ये आप नोट डाउन कर सकते हैं कि SME स्मार्ट स्कोर कितना कितना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, रिलेशन बिटवीन बैंकर एंड परचेजर ऑफ ड्राफ्ट, क्या रिलेशन होगा डेप्टर और क्रेडिटर का, क्योंकि उसने क्या करा है, हमें पैसा दे दिया और जब तक उसका ड्राफ्ट पे होगा तो तब तक हम कर्जदार हैं उसके। AEBA इसका फुल फॉर्म क्या है, आधार इनेबल्ड बैंक अकाउंट, AEBA आधार इनेबल्ड बैंक अकाउंट। स्त्री शक्ति ट्रैक्टर लोन में कोई मिनिमम और कोई मैक्सिमम लोन अमाउंट नहीं है, कितना भी दे सकते हैं, तो डिपेंडिंग ऑन द कस्टमर नीड एंड हिज कैपेबिलिटी। नेक्स्ट देखिए, 2.5 लाख NAI फॉर सुपर बाइक लोन मिनिमम 500 CC, जो सुपर बाइक लोन है 500 CC से अबव वाले जो हैं, तो उसमें जो है नेट एनुअल इनकम जो है इंसान की कितनी होनी चाहिए, 2.5 लाख रुपये। धर्मपेठ नागपुर इज द नोडल ब्रांच फॉर SBI स्किल लोन स्कीम। नेक्स्ट आइए, ये ऊपर एक क्वेश्चन लिखा हुआ, IMT और IMPS की ट्रांजेक्शन लिमिट बतानी है आपने, तो ये आपने सर्च करना है। नेक्स्ट देखिए, इंश्योरेंस कवर फॉर रुपए कार्ड, इंश्योरेंस कवर जो रुपए कार्ड का कितना है, 1 लाख रुपए, शायद ये अब बढ़ा के 2 लाख रुपए कर दिया है, तो आप एक बार इसको क्रॉस चेक कर लेना। माइनर अंडर सेक्शन 3 ऑफ द मेजोरिटी एक्ट, माइनर कौन से एक्ट में डिफाइन करा गया, तो सेक्शन 3 ऑफ द मेजोरिटी एक्ट में डिफाइन करा गया है। मैक्सिमम विड्रॉल अंडर SBI प्राइड डेबिट कार्ड कितना है, 1 लाख रुपये तक आप निकाल सकते हैं। मिनिमम एसेट बेस्ड, मिनिमम एसेट बैक्ड लोन कितना है, 3 लाख रुपये, और मैक्सिमम कितना है, 10 लाख रुपये। एसेट बैक्ड लोन जो है मिनिमम 3 लाख का और मैक्सिमम 10 लाख रुपये तक का है।
मैक्सिमम डॉक्टर प्लस मिनिमम 10 लाख और मैक्सिमम 10 करोड़ तक लोन दे सकते हैं आप। डॉक्टर प्लस ये जो है डॉक्टर्स के लिए स्कीम है, ये हॉस्पिटल्स वगैरह बनाने के काम आती है, मतलब उस पर्पज़ के लिए लोन दिया जाता है। तो इसमें 10 लाख रुपये मिनिमम और मैक्सिमम है 10 करोड़ तक दे सकते हैं। SME एसेट बैक्ड लोन मिनिमम 1.5 करोड़ और मैक्सिमम कितना है 200 लाख, मतलब यानी कि 2 करोड़ तक दे सकते हैं SME एसेट बेस्ड लोन बैक्ड लोन जो है। MOE इज कॉल्ड एज अ चार्टर ऑफ अ कंपनी, ठीक है। और AOA में क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह होता है होती कंपनी। पार्टनर्स मैक्सिमम की 10 हो सकते हैं बैंकिंग कंपनी में और अदर्स में 20 हो सकते हैं। लोन्स अप टू 28 लाख अंडर प्राइवेट सेक्टर मेट्रोपॉलिटन के केस में जो है प्राइवेट सेक्टर लोन जो है 28 लाख रुपए तक दे सकते हैं। चार्ज अगेंस्ट बैंक डिपॉजिट इज कॉल्ड एज असाइनमेंट। चार्ज नोट होता है बैंक डिपॉजिट, मतलब जैसे FDR वगैरह के केस में, तो उसको बोलते हैं असाइनमेंट्स। ओ फ्रेंड्स, ये कुछ क्वेश्चन आपको फिर से बैक दोबारा देखने को मिलेंगे। थैंक यू।